अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ हॉस्पिटल रूल के बारे में कि हेल्थ हॉस्पिटल रूल है क्या और इसे कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल हम देखते हैं कि हमें एक एग्जांपल दी हुई है, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो वन माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसके नाम लोग अगर अभी हम लोग लिमिट पुट करें जीरो तो हमारे पास आ जाएगा वन माइनस कॉस जीरो होता है वन ओवर जीरो प्लस जीरो, जीरो ओवर जीरो हमारे हमें हमारे पास होता है इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो ये ऐसी टर्म्स जिसके हम लोग लिमिट पुट करें और उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए, तो उस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं अपर फंक्शन और लोअर फंक्शन जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया होता है तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो अगर हम लोग ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस कॉस एक्स एक डेरिवेटिव इसका हो जाएगा और लोअर का डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन होता है जीरो के इक्वल, जबकि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स के डिवाइडेड बाय वन प्लस टू एक्स। अगर हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर हम लोग अब लिमिट पुट करें जीरो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस टू एक्स, ये हमारे पास सिंप्लीफाइड आ गया आंसर। अब इसके ऊपर अगर हम लोग लिमिट पुट करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स, वन प्लस टू एक्स इस पर अगर लिमिट पुट करें साइन ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई वन प्लस जीरो, साइन ऑफ जीरो होते हैं हमारे पास जीरो, जीरो ओवर वन हमारे पास होता है जीरो। तो अब ये आंसर हमारे पास इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं आया बल्कि एक नंबर की फॉर्म में आया है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो हमारे पास लिमिट के साथ दिया गया और अगर उसमें हम लोग लिमिट पुट करें और उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो उसके ऊपर हमेशा हेल्थ हॉस्पिटल रूल लगेगा। अब हम लोग एक और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं तो उससे मजीद और क्लियर हो जाएगा। मैं ये हमारे पास है सीकेंट एक्स ओवर वन प्लस टेंजेंट एक्स, ये हमारे पास लिमिट है फाइव बाई टू। फाइव बाई टू है तो सीकेंट एक्स होता है वन ओवर कॉस एक्स इंटू वन प्लस टेन ऑफ एक्स। अब इसमें एक कॉस और वन ओवर कॉस एक्स लिख सकते हो सीकेंट एक्स को, तो फाइव बाई टू होता है नाइन्टी, तो वन ओवर साइन नाइन्टी इज इक्वल्स टू वन इज इक्वल्स टू सॉरी जीरो। वन ओवर साइन नाइन्टी हो गया हमारे पास जीरो इंटू वन प्लस टेन नाइन्टी होता है इन्फिनिटी, तो वन ओवर इन्फिनिटी हमारे पास होता है इन्फिनिटी के इक्वल। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग अब। तो अब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स ओवर डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस टेन एक्स,
टेंजेंट एक्स होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ वन हो गया जीरो और डी डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स होता है हमारे सीकेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स तो सीकेंट एक्स कैंसिल के पीछे रह गया हमारे पास टेन एक्स ओवर सीकेंट एक्स अगर हम लोग देखें तो वन ओवर सीकेंट एक्स होता है हमारे पास कॉस एक्स के इक्वल तो कॉस एक्स ओवर टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा कॉस एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स कैंसिल हो गया पीछे रह गया हमारे पास साइन एक्स अगर हम लोग अब इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो साइन लिमिट अगर पुट करें तो साइन पाई बाई टू हमारे पास होता है हमारे पास वन तो इस तरह से हम लोगों ने लिमिट भी पुट कर दी और लिमिट पुट करके हम लोगों ने इसका आंसर भी निकाल लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।